दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मोबाइल से शूट करते वक्त कुछ ऐसी आवाज और कुछ ऐसा मतलब कि सीन आपको देखने को मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शूट भी इस वक्त मोबाइल से ही हो रहा है। और अगर आपको हटाना है जो शेकीनेस हो रही है, तो आप इस तरीके से इस मोबाइल के साथ एक नॉर्मल सी सेल्फी स्टिक भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने इस वक्त मैं अभी लगा देता हूँ। इसको सही तरीके से मैं सेट कर देता हूँ। और वॉइस क्वालिटी को सुधारने के लिए दोस्तों, आप ऐसे माइक को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो आप मोबाइल खरीदते हैं उसके साथ आपको ईयरपीस मिलते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने जैसे बोया का माइक ही लिया हुआ है 1100-1100 रुपये का, आप इसको भी परचेज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको लगा लेता हूँ ताकि हम कंफर्टेबल होकर बात कर सकें। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि स्टूडियो लाइट लगाने की ज़रूरत है एक अच्छा ऐसा मतलब लाइट वाइट सेटअप लगाने के लिए, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जो मेरी स्टूडियो लाइट है वो कैसी है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में अभी। जी हाँ, ये आपको लाइट नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा हार्श हो गई है ना अभी मेरी तरफ। तो एक्चुअली में क्या है कि लाइट तो ये ऐसी है, बहुत ही सस्ती, बहुत ही चीप सी लाइट है। अब आंखों में लग रही होगी आपके, तो मैंने ये जो नॉर्मल एक पेपर होता है ना A4 साइज़ का, वैसे ट्यूबलाइट और मैंने जला रखी है, तो इसको मैंने इस चीज़ में लगा दिया ताकि हार्श ना हो। और फेस पे अगर आपको सही रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैंने एक बड़ा सस्ता सा ऐसे थर्माकोल होता है ना, ये रखा हुआ है, तो इसको रख देते हैं ताकि सेटअप ठीक सा हो जाए थोड़ा सा। हाँ जी, तो सेटअप हो चुका है बिल्कुल ठीक और वीडियो के लिए हम हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। दोस्तों, मेरा ये बताने का मकसद आपको ये नहीं था कि आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट कम है, या फिर आपके पास जो है अच्छा कैमरा नहीं है, DSLR नहीं है, स्टूडियो लाइट्स नहीं है, या फिर अगर ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से आप यूट्यूब के वीडियोज़ ना बनाएं। अगर आपका पैशन है तो आप यूट्यूब के वीडियोज़ बना सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें मैं बाय नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता। आई हैव द स्टूडियो लाइट्स, मेरे पास DSLR कैमरा भी है, मेरे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिससे मैं बड़ी आराम से बहुत ही उम्दा क्वालिटी के वीडियोज़ बना सकता हूँ। बट क्या आपको नहीं लगता कि अभी वीडियो की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है ऐसी? हालांकि आप मेरे आप 90% वीडियोस देखें ना, जैसे अभी आपको फेस पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा मैं हाथ वाथ हिलाता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं सेटअप यही यूज़ करता हूँ। और ये एक्स्टिक फॉर्म मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि मेरी आवाज़ जो है काफ़ी इस खाली कमरे के अंदर एको करती थी, तो इसलिए ऐसा ना हो तो मैंने इस चीज़ को लगा लिया। बताने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जिन्होंने 1 मिलियन क्रॉस कर लिया सब्सक्राइबर के अंदर, वो आज भी जो है मोबाइल के थ्रू ही वीडियो बनाते हैं और उसी से एडिट करते हैं, उसी से पब्लिश करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू दैट गाय ऑल्सो, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं होता है और कई बार कम्फर्ट जोन में आदमी चला जाता है तो उसके करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, आज मैं नाम नहीं लूंगा, और ये वीडियो मेरे बनाने का पीछे रीज़न यही था। नॉर्मली दोस्तों, मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ कभी भी जो YouTube के इस चीज़ से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कुछ जो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है उन लोगों के लिए जो YouTube चैनल खोलने के बारे में सोच रहे हैं, कभी भी ऐसा सोचा कि YouTube चैनल खोलूंगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको YouTube चैनल नहीं खोलना है या फिर आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कुछ सीखने वाली, तो आप इस वीडियो को अभी से स्किप कर सकते हैं। हो सकता है आपके मतलब की चीज़ ना निकले, तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ आपके मतलब की नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट हो। तो बिना वक्त गवाए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि कल मैंने वीडियो जो है वो नहीं डाला था। उसके पीछे रीज़न था कि कल मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था। मैंने एक यूट्यूबर देखा जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है, और नॉर्मली ऐसा होता है जब कोई थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका होता है ना, थोड़ा गांव का इलाका होता है, और वहाँ से कोई ग्रो कर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और दिल को एक सुकून पहुँचता है कि हमारे देश के अंदर तरक्की हो रही है। लेकिन जब एक इंसान खुद तरक्की करे और वो नहीं चाहे कि दूसरा इंसान तरक्की करे, उसको रोका जाए, तो वो बहुत बुरी चीज़ हो जाती है। मेरे भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, शायद अगर आप पहचान जाएँ तो अच्छी बात है, नहीं भी पहचानेंगे तो, लेकिन आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। नंबर वन, उस बंदे ने बोला कि पता नहीं कैसे कैसे लोग जो हैं अब चैनल बनाने के लिए सोच लेते हैं, मैं छोटे भाई की तरह बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। ऐसे ऐसे लोग आजकल चैनल बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। दोस्त, पहली बारी तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आता है, ना आप भी नहीं सीख के आए होगे, तो आप किसी दूसरे इंसान को डीमोटिवेट मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता है ना, जब किसी इंसान को आप बहुत शुरुआत में, आपके पास बंदा क्यों आया है? अगर आपके 3.5 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर हैं तो आपके पीछे बंदा इसलिए भाग रहा है कि यार आप उसे कुछ नॉलेज दे दोगे, आप उसे कुछ ऐसी चीज़ बता दोगे जिससे वो डेस्परेट है यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। इतना चल के वो आपके पास आ गया किसी उम्मीद से पूछने के लिए कि भैया मुझे बता दो कि कैसे मैं अपने चैनल को चला सकता हूँ। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज दे दो ना यार, क्या दिक्कत है? नॉलेज देने में कोई आपका कुछ कम तो नहीं हो जाएगा? अगर आप उसको दे दोगे तो डेफिनेटली वो आपका एहसान मानेगा और शायद आपको हमेशा एक गुरु की तरह ट्रीट करे। लेकिन नहीं, आपने उसकी इंसल्ट की, वीडियो बनाया कि उसे जेंडर से भी जो है वो फाइल को ट्रांसफर करना नहीं आता। अरे, हो सकता है उसको किसी और चीज़ तरीके से आता हो सकता है आपको उस तरीके से ना आता हो जिस तरीके से उसको आता हो,
तो ये तो टेक्नोलॉजी के अंदर ना 50 चीज़ें होती हैं, 50 तरीके होते हैं जिससे आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि एक शादीशुदा जो है वो लड़का मेरे पास आ गया और बोला कि मुझे घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि कुछ काम करना है, तो मुझे अब यूट्यूब चैनल खोल लिया, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। तो आपने उसकी भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट सी करी कि और चैनल पे ही डाल दिया, वो बेचारा कितनी उम्मीदों से आया हो, घर पे हो सकता है आपके लिए बता के आया हो कि मैं कुछ, मतलब जैसे ट्यूशन क्लासेस होते हैं यार, आप कैरियर के लिए नहीं जाते हो क्या? अगर आपको नहीं आता है तो आप इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, किसी ट्यूशन क्लासेस में सीखते हैं, वो बेचारा आ गया आपके पास ये चीज़ सीखने के लिए, तो क्या आपको उसको ऐसे इंसल्ट और उसके ऊपर वीडियो बना दिया आपने? ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बताते हुए, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट अगर मेरी ये वीडियो उस बंदे तक पहुंच जाए या फिर ऐसे किसी बंदे तक पहुंच जाए जो कि यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है और उसे कोई डीमोटिवेट कर रहा है, तो डीमोटिवेट ना हो। कोई भी इंसान बचपन से हर चीज़ सीख के नहीं आता है, उसे सीखनी पड़ती है। और अगर आपके अंदर लगन है, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप हार्डवर्किंग है, तो दोस्तों आप ज़रूर सीख जाओगे। कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। मैंने अभी तक ऐसा सही नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं हफ्ते में एक वीडियो ऐसा ज़रूर डालूंगा जिसके अंदर मैं जो भी न्यू कमर्स है जो ऐसा चाहता है कि मैं यूट्यूब चैनल अपना खोलूं और मैं ग्रो करूं, तो मैं उनको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा कैसे आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन टैग्स या फिर आप किस क्या टॉपिक आप ले सकते हैं, कैसे अपने चैनल को आप ग्रो कर सकते हैं। एटलीस्ट जितनी मेरे को नॉलेज है उतनी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। एक पॉइंट उस भाई ने और बोला कि 100% श्योरिटी तो किसी चीज़ के अंदर नहीं होती है। दोस्त, आपने भी तो चैनल खोला, अगर आपको 100% श्योरिटी नहीं थी उसके बाद भी आपने चैनल खोला, why are you denying to other person कि वो चैनल जो है वो नहीं, दिस इज नॉट फेयर। अगर आपको श्योरिटी तो किसी बिजनेस में भी नहीं होती है, श्योरिटी तो किसी भी चीज़ के अंदर नहीं है, तो आप दूसरे इंसान को क्यों डीमोटिवेट कर रहे हैं? ये आपको कहीं से भी शोभा नहीं देता। आप ये बोल रहे हैं कि मुझे देख के मेरे गांव में 100 से भी ज़्यादा चैनल जो है वो खुल चुके हैं, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप 100 से भी ज़्यादा लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं, मतलब 100 लोगों ने तो चैनल खोल लिया है। ऐसा कितने लोग होंगे जो चैनल खोलना चाह रहे होंगे? आपको तो बल्कि ऐसा मौका मिला है कि आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कैसे आप चैनल को चलाएंगे, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपका चैनल भी तो ग्रो हुआ है ना यार। दोस्तों, इन दी लास्ट मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं थोड़ा सा बुरा फील कर गया था कल जब मैंने वीडियो देखा, और इस वजह से मैंने अपना वीडियो डाला भी नहीं, कि कोई इंसान अगर ग्रो कर जाता है तो उसका एक ऐसा होना चाहिए ना, किसी का हाथ पकड़ के आगे लेके जाना कि चल यार मैं तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ, तेरा पहुँचाना आसान कर देता हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा से एक देखा है, वीडियो गेम अगर आप खेलते हो ना दोस्तों, तो वीडियो गेम में क्या होता है, एक बड़ा मुश्किल सा एक राउंड आता है, उसको क्लियर करने में ना आपको बार 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 मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसी राउंड को जब आप क्लियर कर लेते हैं ना, तो अगली बारी वो राउंड और क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है, और उससे अगली बारी तो आप उसको बड़े आराम से खेलते खेलते जो है उसको मतलब क्रॉस कर लेते हैं। तो ऐसे में जो इंसान आगे बढ़ चुका है, जिसने चैनल चला लिया, थोड़ा सा ग्रो कर लिया है, तो ऐसे में जो लोग शुरुआत में चैनल बना रहे हैं ना, उनको जो हर्डल्स आ सकते हैं वो बहुत आसानी से बता सकता है कि मेरे भाई ये मत करियो, इससे जो है चैनल तेरा लॉस हो सकता है, या ये करेगा तो जल्दी ग्रो हो सकता है। तो बस मेरा इतना सा पर्पज़ था यार, और इसलिए मैंने सोचा, मेरे तो बहुत छोटा सा चैनल है लेकिन मैंने इनिशिएटिव ले लिया है कि हर हफ्ते मैं एक ऐसा वीडियो ज़रूर डालूंगा जिससे मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ, जो भी लोग टेक चैनल बनाना चाह रहे हैं, कोई भी अदर चैनल बनाना चाहते हैं। क्योंकि टेक के अलावा भी उसने एक बात बोली थी कि एक बंदा मेरे पास ब्लॉग बनाने आया और उसने बोला कि मैं अपने मामा की शादी में जा रहा हूँ और मैं खेत दिखा रहा हूँ और मैं ये दिखा रहा हूँ, ऐसे ब्लॉग नहीं बनते हैं भाई। क्यों नहीं बनते हैं ऐसे ब्लॉग? 100% ऐसे ब्लॉग बनते हैं। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो अपनी डेली लाइफ भी दिखाते हैं, बात भी करते हैं, और यहीं से तो शुरुआत होती है, एटलीस्ट शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर का देख लो चैनल, जब आप शुरुआत की वीडियो देखोगे ना और आज की वीडियो देखोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। जब आप शुरुआत से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं ना और बात करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ही ग्रो होती चली जाती है, लोग बात करते हैं, कमेंट आते हैं, इंप्रूवमेंट होती है, खुद इंसान सोचता है कि मैं अगला वीडियो पिछले से कैसे अच्छा बना सकता हूं। दोस्तों, वीडियो ना लंबा ना हो जाए अनवांटेड बातें करते हुए, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप YouTube चैनल खोलना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई भी ऐसी बात है जो आप नीचे कमेंट में लिखना चाहते हैं, मैं आपकी कैसे भी हेल्प अगर कर पाया तो मैं खुश नसीब समझूंगा अपने आप को कि मैं किसी काम आया, ये YouTube चैनल से मैं एटलीस्ट लोगों से कनेक्ट कर पाया। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मेरे से जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। हर हफ्ते मैंने प्रॉमिस करा है मैं एक वीडियो ज़रूर ऐसा बनाऊँगा जो YouTube के ग्रोथ के ऊपर बनेगा। बाकी सपोर्ट करना आपके हाथ में है, और टेक वीडियोस तो डेली आते रहेंगे दोस्तों। अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले।